19 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं आभारी हूँ आपकी जो आपने मुझे इस देश समाज के सबसे निम्न स्तर पर काम करने वाले उन मजदूरों के हित के बारे में मौका दिया बोलने का और इन्हीं मजदूरों के इन्हीं श्रमिकों के श्रम पर ये देश विकास की गति पे आगे बढ़ रहा है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोचकर कि यह ऐसे वर्ग का उस वर्ग का जो समाज में सबसे निम्न स्तर पर रहकर काम करता है उसको समझते हुए उनके हितों के लिए इस बिल को प्रस्तुत किया है। माननीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की विशेष समिति ने न्यूनतम मजदूरी के को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव में अधिकतर राज्यों के कामगारों का को लाभ मिले, विभिन्न राज्यों ने जो अभी तक लगभग 17 या 18 ऐसे राज्य हैं जिनमें यदि न्यूनतम मजदूरी की दरों को देखें तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें 69 तक, केवल 69 रुपए तक न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है। 69 रुपए में मैं सोचती हूँ कि उनके घर का खर्चा चलना तो दूर, उनको किसी भी तरह से अपने परिवार को पालन नहीं हो सकता। ऐसे कम दाम तय करने वाले वो सरकार या वो लोग हैं जिनके पावन फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। ऐसे लोग हैं जो 70 साल में अधिकतर समय राज्य करने के बाद भी, शासन भोगने के बाद भी गरीबों के हितों में जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी। वर्तमान समय में मैं तो यही कहूंगी महोदय कि श्रमिकों की गणना करने के समय महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। चाहे महानरेगा का काम हो, महानरेगा के काम में जितना अधिकतर योगदान महिलाओं का है लेकिन उसके बीच में भी मैं एक बात आपके ध्यान से लाना चाहूंगी मंत्री महोदय के कि उनमें भी ठेकेदार और दलाल बीच में पड़े हुए हैं जो उनके खाते में पैसा भी यदि जाता है तो पहले पैसा लेने के बाद ही उनको भुगतान करते हैं। तो इस तरह की जो अव्यवस्था है ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जो उनका शोषण हो रहा है उसके लिए भी आपको असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली इन माता बहनों के लिए भी सोचना पड़ेगा। भवन निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, या सफाई कर्मी हो, या पशुपालन का काम हो, इन सभी असंगठित कामों में 80% श्रमिक हमारी महिलाएं हैं जो सदैव यही भाव लेकर अपनी रोटी रोजी कमाती हैं और कहती भी हैं कि मेहनत कर जो मानवी, मेहनत सुखरी खान और बिन मेहनत रीझे नहीं धनी धरत भगवान। ऐसे में भी उनकी इस आंतरिक भावना का ध्यान न रखते हुए इतनी बड़ी सोच के साथ जो अपने परिवार को पालती हैं उनके बारे में महानरेगा के काम करने में भी ऐसे बहुत से मैट आ जाते हैं जिनका नाम मैट के माध्यम से है, जो उनका इंचार्ज बनता है वो उनका शोषण करता है। मैं ये भी आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के चाहे रेलवे हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे खाद्यान्न हो, चाहे प्रमुख बंदरगाहों पर काम करने वाले हमारे मजदूर हों, उनके लिए तो फिर भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस बिल के माध्यम से आई हैं और सुरक्षित भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज ईंट भट्टों पर काम करने वाले उन मजदूरों में भी 80% महिलाएं ईंटों का भार अपने माथे पर लेकर कच्ची और पक्की दोनों का वो काम करती हैं। माननीय मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे स्थिति में ठेकेदारों द्वारा शोषण ना हो, कानून में इस तरह का भी कोई प्रावधान इसमें होना चाहिए। मैं माननीय 2 मिनट यदि 1 मिनट मुझे और देंगे तो मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम वर्तमान समय में जो परिस्थितियां मजदूरों की हैं, मैं खुद गांव की हूं, गांव के अंदर रहती हूं, मजदूरों से सीधा संवाद है, उनके लिए राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार जो भी उनके कल्याण की योजनाएं बनाती हैं, हमारी सरकारी तंत्र भी उन कल्याण की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचने देते। आज जॉब कार्ड भी श्रमिकों के पास पूरा नहीं है क्योंकि जॉब कार्ड बनाने के लिए जो आपके निचले स्तर पर जो नियुक्त हैं कर्मचारी वो धोखा देते हैं और किसी भी तरह से उनको लाभान्वित करने की योजनाओं से जोड़ते नहीं हैं। माननीय सख्त कानून और इस कानून के अंदर ये तय हो, सुनिश्चित किया जाए कि उनके लिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो सुविधा देती हैं उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निचले स्तर पर कठोर कदम होने चाहिए। माननीय आपने मुझे अवसर दिया, समय तो बातें तो बहुत थी लेकिन समय कम देने के कारण मैं उन्हें नहीं कह पा रही हूँ। धन्यवाद। மாண்புமிகு அவை தலைவர் அவர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இம்மசோதா மூலம் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் அவரது உரிமை முடக்க இவ்வரசு முயற்சிக்கிறது. வெளிநாட்டு மூலதனங்களை கொண்டு வருவதே இதன் நோக்கமாக நான் கருதுகிறேன். முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதே அடிப்படை நோக்கம். ஊதியம் குறித்து மசோதா கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக தொழிற்சங்கங்களை அழைத்து பேசி தொழிற்சங்கங்களின் கருத்தை மையப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். அப்படி செய்வதன் மூலம் உண்மையான தொழிலாளர்களை அக்கறை காட்ட முடியும். இம்மசோதாவில் தொழில் உறவு, ஊதிய சட்டம், தொழிலாளர் பாதுகாப்பு, சமூக பாதுகாப்பு அம்சங்களை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். மாண்புமிகு